भाव मेदनी, तो उसने उठ के पुकार कीती, ते पुकार की कीती? धरती ने यह पुकार कीती कि हे परमात्मा, सारे इस ब्रह्मांड नू साजन वालिया, अगे भी तू बहुत ऐसे जीव भेजे ने, बहुत महान पुरश भेजे ने, बहुत देवी देव ते आके चले गए, पर हर एक ने आके अपना नाम इस दुनिया उत्ते वजाया। जेड़ा भी कोई देवी देवते है, कुछ भी है, जिन्हें भी हुण तक आए ने ना, सारिया ने आके अपना नाम इस दुनिया उत्ते वजाया है। हर कोई आखदा सी कि मेरा नाम इस दुनिया उत्ते चले, हर कोई आखदा है मेरा नाम इस दुनिया उत्ते चले कि हे परमात्मा, इस दुनिया दे उत्ते मैं करदिया इन्ना ज्यादा पाप वध गया कि हुण मेरे तो इस पाप का बोझ सहारिया नहीं जाता। यह धरती ने पुकार कीती, पाव अरदास कीती कि सतगुरु जी, हे परमात्मा, मेरे तो हुण इस पापां दा जिहड़ा इह बोझ है ना, इस धरती उत्ते मेरे तो नहीं सहारिया जा रहा। ते जदों कल मल होई मेदनी, जदों अरदास कीती लिव ला के, ते अगों परमात्मा ने की आख्या? सच्चै सुणै कन दे, सच्चै भाव के सच्चा परमात्मा। जदों धरती ने पुकार कीती ना, ते उस सच्चे परमात्मा ने सुनिया कन दे, भाव के नेड़े होके कन करके उसकी पुकार सुनी। उस अकाल पुरख ने जदों धरती दी पुकार सुनी ना, ते परमात्मा ने भी आख्या कि इस धरती उत्ते असल विच बड़े देवती देवी देवते आके चले गए, पर किसी ने भी रब दे नाम की गल नहीं कीती, किसे ने भी तू तू नहीं, हर एक ने मैं करदिया सारे आके चले गए, पर किसे ने भी इस पाप नू तोड़ के, झूठ नू तोड़ के सच वल नहीं जोड़िया। परमात्मा ने भी धरती नू हौसला दिता कि उसनू सहज सुभा, धरती नू आख्या कि तू सहज सुभा धीरज रख कि हुण इस धरती दे उत्ते मैं आप आवांगा। असी अपनी सुरत नू लैके चलिए उस वेले दे माहौल विच, उस तलवंडी विच ननकाणा साहिब पाकिस्तान विखे जिथे गुरु साहिब दा अवतार होया, असी अपनी सुरत नू लैके चलिए। उस वेले धरती ने उठ के रो के पुकार कीती, ते परमात्मा ने भी अगों आख्या कि हुण पाप जिहड़े है ना, इह बहुत ज्यादा वध गए, बहुत हदों वध जिहड़े ये पाप इस धरती दे उत्ते कट्ठे हो गए। ते प्यारिओ, पाप जिहड़े ने ओह किस तरह हुंदे ने, क्योंकि धरती दे उत्ते बोझ हो गया ना, हुण धरती दे उत्ते बोझ किस दा है? कोई आखेगा कि इन्हां दरख्तां दा, पेड़ पौद्यां दा बोझ है, कोई आखेगा कि इन्हां पहाड़ां दा, नदियां दा, समुंदरां दा बोझ है, कोई आखेगा कि धरती दे उत्ते इन्नी हरियाली है, इन्ने इहदे उत्ते इह बनस्पति है, इसका बोझ होवेगा? पर प्यारिओ, धरती दे उत्ते किसे दरखत दा, किसे पहाड़ दा, किसे नदी समुंदर दा बोझ नहीं, सगों इह तां धरती दा शिंगार ने। जे धरती दे उत्ते बोझ है ना, ते धरती दे उत्ते बोझ उह बणदा है जिहड़ा सच्चे नाम तों, रब दे नाम तों टुट जांदा है। गुरु पातशाह जी आखदे ने कि जिहड़ा रब दे नाम तों टुट गया ना, असल विच ओही बोझ बन जांदा है। ते जदों इस धरती दे उत्ते रब दे नाम तों टुटदिआं सारे झूठ वल हो गए, कोई सच्चे नाम वाला है ही नहीं, ते जदों सारे ही झूठ वाले हो गए ना, कूड़ पसारा इत्थे फैल गया, फिर धरती नूं उठ के पुकार करनी पई, क्योंकि इंसान भी इसे तरह करदा है। जदों इंसान दे उत्ते कोई बोझ पई जावे, कोई बोझ पई जावे ना, ते इंसान हार के अरदास ही करदा है कि रब्बा मैनू इस बोझ तों बचा लै, मेरे मन तों इह बोझ परा कर दे, तां कि मैं सुख नाल इह अपनी जिंदगी जी पावां। इसे तरह धरती ने भी कीता। जदों धरती दे उत्ते सारा झूठ पसारा ये हो गया ना, जदों कोई रब दे नाम वाला इत्थे रहा ही नहीं, ते धरती ने आखर हार के उस परमात्मा नूं आख्या कि हे मैनू सिरजण वालिया, हे अकाल पुरख हरी परमेश्वर, ये सारी सृष्टि दे मालक,
कृपा कर इस पापां दे बोझ नूं तोड़ दे। ते उस वेले परमात्मा ने भी अगे होके कन करके धरती दी पुकार सुनी ते परमात्मा ने धीरज दित्ती की आख्या कि मैं आप हुण इस धरती दे उत्ते आवांगा। परमात्मा नूं आप धरती दे उत्ते आउण दी क्यों लोड़ पई?